Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया. सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा. अगर हम बात करें इस लेक्चर की, इस टॉपिक की, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अगर हम बात करें जेके एसएसपी की, तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है. तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया को आज हम डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. सो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस कोड असिस्टेंट, बीएलडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करेंगे हम, इंडिया जो एक वास्ट कंट्री है जो एक्सटेंड करती है कश्मीर नॉर्थ की तरफ, और अगर बात करें नॉर्थ से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है, तो कन्याकुमारी आपका साउथ वाला रीजन आ गया, और कांडला आपका गुजरात वाला आ गया, और वेस्ट से लेके हम अगर बात करें ईस्ट से, तो ईस्ट आपका कोहिमा, ठीक है. तो इस तरीके से इंडिया जो है एक्सटेंड करती है. ट्रांसपोर्ट सभी जानते हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. अगर आप किसी रॉ मटेरियल को मूवमेंट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भी लाना है, फ्यूल हो गया, मशीनरी हो गया, एटसेट्रा टू मार्केट फॉर कंजप्शन, तो इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक चीज़ को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, फ्यूल हो गया, मशीनरी हो गया. अगर आप फ्रूट्स किसी वेजिटेबल या एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही आप उसको ले पाओगे. अब थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है. तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन टाइप का है. पहले है लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर आपका एयर ट्रांसपोर्ट. तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आपकी रोड आ गई, फिर आपकी रेल आ गई, रेल वगैरह होगी, फिर आपकी पाइपलाइन आएगी. ये तो तीन इंपॉर्टेंट है इसके, लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर. फिर हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर. वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका इनलैंड वाटरवेज आ गया, फिर ओशनिक रूट्स आ गए. उसके साथ साथ थर्ड में अगर हम बात करें तो आपका आ गया एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका नेशनल आ गया और इंटरनेशनल आ गया. तो ये इसको हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट्स में, और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा. तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन टाइप के हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. अब जहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में. रोड ट्रांसपोर्ट जो है, सबसे अगर बात करें तो इजीस्ट और चीपेस्ट जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है आपका रोड ट्रांसपोर्ट. इसमें लार्ज नंबर ऑफ रोड्स जो है वे लैंड ऑन ड्यूरिंग मुगल रोड्स. तो ज्यादातर रोड्स आपको कहां पर देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम मुगल, जब मुगल पीरियड था. एक इसमें एक रोड है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, और ये कनेक्ट करती है पेशावर आपका पाकिस्तान के अंदर आ गया, और कोलकाता हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर आ गया. इन दोनों को जहाँ से कनेक्ट करती थी, एंड वाज नेम्ड एज को रोड को, अगर हम आज की डेट में बात करें तो उसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, जीटी रोड, ठीक है. और एट प्रेजेंट इसको क्या बोला जाता है, एट प्रेजेंट इसको शेर सूरी मार्ग भी बोला जाता है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शेर शाह सूरी रोड्स के ऊपर. कनेक्ट करती है आपकी पेशावर से कोलकाता, और इसको नेम दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है. एट प्रेजेंट इट इज नोन एज शेर सूरी मार्ग. अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की. तो रोड ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस की सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है, ये विलेजेस को कनेक्ट करती है, इंटीरियर कंट्री को कनेक्ट करेगी, और हिली एरियाज को कनेक्ट करेगी, विच आर नॉट कनेक्टेड विद रेलवेज, जो कि रेलवे से कनेक्ट नहीं होता. जैसे कोई पहाड़ी एरिया है, बहुत ज्यादा माउंटेन्स है, वहां पे आपकी रोड ही जाएगी, वहां पे आपकी रेलवे जो है, रेलवे प्लेटफॉर्म वहां पे होना काफी ज्यादा, वहां पे पॉसिबिलिटी कम रहती है, ठीक है. अब इसमें इजी मोबिलेशन की बात करें तो आपको वेजिटेबल्स इजी मोबिलाइज कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, फ्रूट्स हो गए आपके और मिल्क हो गया. ये सारा का सारा जो है एक इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की. सोन डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसको मेंटेन किया जा सकता है वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड्स. अगर आपकी रोड नेटवर्क अच्छा है तो आप डिफेंस सिस्टम को सोन कर सकते हो रोड्स थ्रू आउट द कंट्री. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो रोड्स के लिए सबसे पहले तो विलेजेस से कनेक्ट होगी, फिर इंटीरियर कंट्री और हिली एरियाज में जहाँ पे रेलवे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे रोड्स को जो है कनेक्ट करती है. और इसके साथ साथ इजी मोबिलाइजेशन होता है एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेने के लिए. और अगर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, तो आपकी रोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स में आपकी चार पॉइंट्स आते हैं. पहला आ गया आपका नेशनल हाईवेज, फिर आपका आ गया स्टेट हाईवेज, फिर आपका आ गया डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, फिर आपका आ गया रूरल हाईवेज. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसमें नेशनल हाईवेज आ गया, स्टेट हाईवेज, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह जहाँ उसको क्लियर कर सकते हैं, या रूरल रोड्स, ठीक है. तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहले हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज के बारे में. नेशनल हाईवेज का जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, ये नेशनल हाईवेज इसके लिए इंपॉर्टेंट है. ट्रावर्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कंट्री कनेक्टिंग, ये नेशनल
स्टेट कैपिटल से मेजर पोर्ट्स हो गया और रेल जंक्शन हो गए, ठीक है, इससे कनेक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी रोड को नेशनल हाईवे घोषित करना है, उसको नोटिफाई करना या नहीं करना है, तो ये सारा का सारा अधिकार किसके पास होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी भी रोड को नोटिफाई करना और नोटिफाई करना उस रोड को, क्या ये नेशनल रोड हाईवेज है या नहीं है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है नेशनल हाईवेज की? ये होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो NHAI। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक स्टेटूटरी अथॉरिटी, इसको एस्टैब्लिश किया गया NAI एक्ट 1988, NHAI, ठीक है। और इसको ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया फरवरी 1995। तो ये 1995 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्ट दे सकते हैं आप, 1988 का एक्ट है, और इसको ऑटोनॉमस बॉडी जो बनाया गया, ये बनाया गया 1995 में। ये जो रोड्स होती हैं, जो कनेक्ट करती है स्टेट कैपिटल से, पोर्ट से, इंपॉर्टेंट सिटीज होगी और बैकबोन होगी इंडिया की रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सा 2020 का वाला बता रहा हूँ, मगर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 500 मिलियन का प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2020 के अंदर इसको इनके द्वारा एग्रीमेंट किया गया टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? ये आपकी स्टेट्स आगे, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 500 मिलियन प्रोजेक्ट जो था दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको साइन किया गया था, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, जिसको GNHC बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार स्टेट्स ही आपकी, राजस्थान आ गई, यूपी आ गई, हिमाचल प्रदेश आ गई और आंध्र प्रदेश आ गई। आप कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। NH44 के बारे में आप सभी जानते हैं, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसको पहले क्या बोला जाता था? इसको पहले बोलते थे ओल्ड NH7, ठीक है। और ये एक लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का, ठीक है। तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु तक इसको ये रोड जोड़ती है, ठीक है। सेकेंडली जहां पे बात करें तो NH6 है, ये जोरावट इन मेघालय और टर्मिनेट्स करता है सैलिंग इन मिजोरम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, NH नेशनल हाईवे 6। नेशनल हाईवे 16 की बात करें तो ये ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से लेके चेन्नई, ये आपका तमिलनाडु तक, इसको NH16 को पहले NH5 बोला जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप साथ साथ में। NH27 की बात करें, पोरबंदर जो गुजरात से लेके सिलचर असम तक ये फैला हुआ है और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। पहला लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जी आपका NH44 है। NH30 की बात करें तो सितारगंज यूके यानी कि उत्तराखंड से लेके इब्राहिमपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश के अंदर इसको जोड़ता है। इसको ओल्ड पहले नाम दिया गया था NH221। NH48 की बात करें तो ये दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जोड़ता है, ओल्ड इसको NH8 बोलते थे। और NH52 जो है ये संगरूर पंजाब के अंदर अंगोला पंजाब से कर्नाटका तक ये जोड़ती है रोड, जिसको बोलते हैं NH52। NH53 की बात करें तो हाजीरा इन गुजरात और प्रादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा, ठीक है। तो गुजरात से लेकर उड़ीसा तक ये जोड़ता है NH53। NH66 की बात करें तो पनबल है महाराष्ट्र के अंदर और टर्मिनेट्स करता है कन्याकुमारी है तमिलनाडु के अंदर। तो ये महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जो एरिया है इसको जोड़ता है, दैट इज NH66। ओल्ड इसको पहले बोला जाता था NH17। NH4548 की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर है और NH118 की बात करें तो ये झारखंड के अंदर है। ये दोनों नेशनल हाईवे जो है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया के और दोनों की जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर सारी है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर ईच लेंथ है दोनों की, दैट इज NH548 और NH118, ठीक है। तो झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, NH44 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है और इसकी जो लेंथ की बात करें तो 3745 किलोमीटर की लेंथ है, जो कवर करती है नॉर्थ से लेकर साउथ कॉरिडोर तक। तो नेशनल हाईवे 44 के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसको मेंटेन किया गया था सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको मेंटेन किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे NH44 जो है कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। NH44 को मर्ज किया गया, किस तरीके से NH44 जो है बना है, पहले हम बात करेंगे NH1A, ठीक है। तो NH1, NH2 ये दिल्ली से आगरा तक जोड़ता है, NH3 ये जो है कंबिनेशन है इसका NH44 का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे स्टेट हाईवेज के बारे में। स्टेट हाईवेज में सबसे जो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, सबसे जो लेंथ है स्टेट हाईवेज की सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र के अंदर है, उसके बाद गुजरात आ गया, फिर मध्य प्रदेश आ गया, फिर राजस्थान आ गया, फिर आंध्र प्रदेश आ गया। और स्टेट हाईवेज को कंस्ट्रक्ट कौन करता है? PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है स्टेट हाईवेज के ऊपर, ठीक है। तो स्टेट हाईवेज को इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के बारे में। ये थोड़ा सा शॉर्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसको इनिशिएट किया गया था, इसलिए लिया गया था कि ताकि इम्प्रूव की जा सके कनेक्टिविटी। चार धाम पिलग्रिमेज सेंटर इन हिमालय, ठीक है। तो चार धाम ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाईवे है, मिनिमम इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर्स है। इंडियन स्टेट्स की बात करें, उत्तराखंड के अंदर चार धाम जो है परियोजना जो है ये आती है अंडर कंस्ट्रक्शन। हाईवे विल बी कंप्लीटेड कंप्लीमेंट अंडर दी कंस्ट्रक्शन चार धाम रेलवे बाय कनेक्टिंग द फोर होली प्लेसेस। आप उत्तराखंड के अंदर जो स्टेट्स, उत्तराखंड स्टेट्स के अंदर कौन कौन से नेम है, बद्रीनाथ आ गया, केदारनाथ आ गया, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जे पीएम मोदी जी की पिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विजिट किया गया एग्जीबिशन ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के द्वारा, कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ जो है 719 किलोमीटर की लेंथ है। उसके बाद नॉर्थ जो एंड इसका माना है वो साउथ एंड इसका जो है ऋषिकेश है। कंट्री की बात करें तो इंडिया के अंदर है, स्टेट्स की बात करें तो ये उत्तराखंड के अंदर है। मेजर इसमें सिटीज जो कवर होती है ये सारी की सारी यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम जवाहर टनल के बारे में। जवाहर टनल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, बनिहाल के अंदर, और कनेक्ट करता है जम्मू श्रीनगर, ठीक है, जम्मू श्रीनगर में कनेक्ट करता है। NH1A और NH2, ये थोड़ा सा मैं आपका वहाँ पे उस स्लाइड में भूल गया था जहाँ पे शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको बताया था। NH1 और NH2 ये कलेक्टिवली इसको बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जिसको बोलते हैं GT रोड। और हाईएस्ट रोडवे जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है, मनाली लेह हाईवे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट रोडवे ऑफ दी वर्ल्ड दैट इज मनाली लेह हाईवे। अब थोड़ा सा जहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है ये है भूपन हजारिके ब्रिज। भूपन हजारिके ब्रिज को डोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको कंस्ट्रक्टेड कहाँ पे किया गया है, लोहित रिवर के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, तो लोहित रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। अगर हम बात करें भूपन हजारिके ब्रिज के बारे में, ये जो ब्रिज है ये कहाँ पे, आप लोहित रिवर की थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, लोहित रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है। और अगर आप स्टेट पूछा गया आपको भूपन हजारिका ब्रिज के ऊपर, तो ये असम स्टेट के अंदर है। पीएम मोदी ने इसको इनोग्रेट किया था, इंडिया का लॉन्गेस्ट अबव वाटर ब्रिज, ऑन 26 मई 2017। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं कितना लॉन्गेस्ट ब्रिज है। और ये भूपन हजारिका ब्रिज असम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम अटल टनल के बारे में। अटल टनल की ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इनोग्रेट किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था रोहतांग हिमाचल प्रदेश के अंदर, कनेक्ट करता है जो सोलंग वैली, रोहतांग वैली हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश हो गया, और जो कनेक्ट करता है सोलंग वैली से मनाली से लेके सिसु, ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति। ये दोनों की दोनों प्लेसेस आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे यहाँ पे बात, अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गेस्ट हाईवे टनल वर्ल्ड अबव हाइट 3000 मीटर। तो ये आपको याद रखना, अटल टनल के ऊपर आपको वैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कहाँ पे है, तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे रोहतांग टनल प्रोजेक्ट की जहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ, ये मनाली लेह हाईवे को जोड़ता है, इंश्योर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बिटवीन लाहौल स्पीति एंड पंगी वैली। और इसको इंप्लीमेंटेड किया गया था BRO के द्वारा। अब ये आपके लिए क्वेश्चन जहाँ पे मैं आपको जहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि BRO को कब बनाया गया था, BRO को कौन कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो लेंथ है 8.8 किलोमीटर है, लोकेटेड है दुंदी मनाली, ये एक पीर पंजाल रेंज एट हाइट ऑफ 3970 मीटर। और ये डिस्टेंस रिड्यूस करेगा मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक 46 किलोमीटर का, यानी कि 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको जी कम करेगा जी, जो रोहतांग जो टनल बना, ठीक है। तो ये आपका अटल टनल जो बना ये इसको इतना कम करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको अटल टनल देखने को मिलेगा रोहतांग हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे विवेक एक्सप्रेस के बारे में। विवेक एक्सप्रेस जो है लॉन्गेस्ट रेल रूट है इंडिया का, ठीक है, 4273 किलोमीटर का रूट है, और डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। उसके बाद हिमासागर एक्सप्रेस की बात करें तो सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट रेल रूट था, जो डिस्टेंस था इसका 3787 किलोमीटर, जम्मू तवी से लेकर कन्याकुमारी तक। बात करेंगे गोरखपुर यूपी के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिवीजन लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का, जी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गोरखपुर यूपी के अंदर है जी। इसकी लेंथ जो है इसकी 1.36 किलोमीटर है, और बिफोर खड़गपुर हैड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, तो उससे पहले जो है खड़गपुर जो था लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म था, ठीक है। थोड़ा सा हम जहाँ पे बात करेंगे अगरतला अकूरा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, ये आप देख सकते हैं अगरतला जो है त्रिपुरा के अंदर है, और अकूरा जो है ये आपको ढाका बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। 15 किलोमीटर ये लॉन्ग है, कनेक्ट करेगा इंडियन रेलवे लिंक, इंडियन रेलवे विद बांग्लादेश रेलवे से, ठीक है, और इट कनेक्ट कोलकाता विद त्रिपुरा वाया बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगरतला अकूरा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट। फिर बात करेंगे हम गांधी सागर रेलवे स्टेशन के बारे में। गांधी सागर रेलवे स्टेशन जो है जयपुर राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है जो उसको फुली मैनेज करती है वीमेंस, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा रेलवे स्टेशन इंडिया का जिसको फुली मैनेज किया जाता है वीमेंस के द्वारा, दैट इज गांधी सागर रेलवे स्टेशन। जहां पे बात करेंगे लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ द इंडिया, तो लार्जेस्ट रेलवे जोन है आपका नदर रेलवे, तो ठीक है। तो शॉर्ट्स में जहां पे मैंने आपको लिखा हुआ जहां पे। अब बात करेंगे वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, सभी जानते हैं ये रेलवे ब्रिज जो है चिनाब रिवर के ऊपर है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। और अगर आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो ब्रिज है ये किसका पार्ट है, ये आपका USBRL का पार्ट है, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा गया तो उसको आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चिनाब रिवर के ऊपर है ये ब्रिज, और ये अगर आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूछा गया तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पर्टिकुलर यूटी के ऊपर पूछा गया तो जे यूटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अगर बात करें तो क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आज हमने जो है इसको शॉर्ट्स में कवर किया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया के इस लेक्चर को। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।